हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, तो आज मैं कर रही हूँ। तो जी आज एक मॉडल है जिनको मैंने रेडी किया था, ये बिहाइंड द सीन्स है उनके, तो उनका मेकअप स्टार्ट करते हैं जी। तो ये मॉडल थी हमारे पास, एक शूट था जिसके लिए आई थी, तो इनका मैंने जो है ना वो मेकअप किया है। तो सबसे पहले इनकी जो फेस है उस पर मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का मॉइस्चराइज़र है, और जो है ना वो मैं बड़े अच्छे से मैंने इनके फेस पे सारा स्प्रेड कर दिया है। अब मैं जो है वो ये ब्यूटीफाई बाय आमना का स्नो ग्लो सीरम ले रही हूँ और इनके फेस पर अच्छे से जो है ना वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारी जो बेस के नीचे जो हमारी स्किन प्रेप है वो अच्छे से हो जाए, ताकि फ्लॉलेस सी जो हमारी बेस है ना वो सामने आए बन के। तो जी अब जो है वो मैंने ये कंसीलर पहले किया है, और जो भी इनके फेस पे डार्क स्पॉट्स थे, पिगमेंटेशन थी, वो मैं इसके साथ जो है वो कंसील कर रही हूँ। ये मैंने जहाँ जहाँ पर इनके डार्क सर्कल्स हैं वो मैंने इसके साथ जो है वो ऑरेंज करेक्टर के साथ जो है वो मैं उसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, ताकि किसी किस्म की हमारी बेस ख़राब ना हो, ग्रे ना हो। ये ट्रिक मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी समझाई हुई है, अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो जो है वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे फाउंडेशन मैंने यूज़ की है विदा की, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी इसका रिव्यू दूँ। तो ये जो है वो ऑयली स्किन थी इनकी, उसके लिए ये बड़ी अच्छी फाउंडेशन थी, मैट फिनिश थी इसकी, फुल कवरेज ये दे रही थी। तो मैंने यहाँ पे इसके दो शेड्स जो हैं वो मैंने मिक्स करके मैंने अप्लाई किए हैं इनके फेस पे। पहले मैंने अच्छे से जो है वो आप लोग देख लें कि मैंने फेस पे सारी फाउंडेशन को जस्ट स्प्रेड किया है। पहले इसको प्रॉपर तरीके से हम स्प्रेड करेंगे अपने फेस के ऊपर, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर ये ब्रश ले रही हूँ, और ब्रश के साथ मैं इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करूँगी इनके स्किन के अंदर। अच्छा, ब्लेंडिंग जो है वो आपने बड़े हल्के हाथ से करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है, और अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने इसको स्किन में बिल्कुल ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है जी, ब्लेंडिंग की अच्छी होगी आपकी तो आपकी बेस ज़्यादा देर तक स्टे भी करती है, आपकी लुक भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे जी ब्रश के साथ मैंने ब्लेंडिंग कर ली है, अब मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यहाँ पर लिया, और उसके साथ जो है वो मैं अच्छे से इनकी जो भी ब्रश से जो स्ट्रीक्स रह जाती हैं वो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैंने सारी स्किन जो है स्किन में जो है वो ये बेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है, ताकि बिल्कुल फ्लॉलेस और नेचुरल फिनिश आए, कोई केकी लुक ना आए। सॉरी जी मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आज। अच्छा जी यहाँ पर जो है वो मैंने कंसीलर लिया, उसी विदा की फाउंडेशन का एक शेड लाइट मैंने लिया, और उसको जो जो भी हमारे कंसील एरियाज़ हैं वहाँ पर जहाँ पर हमें कंसील करना है, हाईलाइट करना है बेसिकली, जहाँ पर हमने वहाँ पे एक शेड उनकी स्किन टोन से लाइटर जो है वो मैंने अप्लाई किया, ताकि मेरे ये जो स्पेसिफ़िक पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए अच्छे तरीके से, और बड़ी जो है ना वो अच्छी सी डेफिनेशन आ जाए फेस में। तो जी ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टीन का जो है वो लूज़ फेस पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन थी तो उसको जो है वो हमें बेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह इस पे ज़रूर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ऑयली और ड्राई स्किन के ऊपर जो है वो किस तरह से हम फाउंडेशंस को यूज़ कर सकते हैं, उस पर मैं आप लोग को अच्छा सा रिव्यू दूंगी। अच्छा जी जहाँ जहाँ पे मैंने जो है वो हाईलाइट किया था वहाँ वहाँ से मैं फ़ेस को जो है ना वो अच्छे तरीके से बेक कर रही हूँ, इसको बेसिकली बेकिंग टेक्निक कहते हैं, ताकि जिन जो ऑयल है ना वो अच्छे से ये स्किन का सारा जो है ना वो ये लूज़ पाउडर जो है ना वो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा जी अब यहाँ पर हम करेंगे कंटोरिंग। कंटोरिंग के लिए मैंने अपना वही मोस्ट फेवरेट मेरा क्रिस्टीन का पैलेट है जो मैंने लिया है, और इनका थोड़ा सा चबी फेस था तो थोड़ी सी डिटेल कंटोरिंग कर रही हूँ मैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो इनकी ये चीक बोन्स हैं पहले मैंने उनको अच्छे से कंटोर किया है, अब मैं इनकी जो जॉ लाइन है उसको जो है वो मैं बड़े प्रॉपर तरीके से कंटोर कर रही हूँ। अच्छे तरीके से सारी जो कंटोरिंग है वो मैंने कर ली है। अब जी हमारा जो पाउडर था वो हम जो है वो डस्ट ऑफ कर देंगे, उसको आपने डस्ट ऑफ करना है, मेस नहीं क्रिएट करना है बिल्कुल भी। अच्छे तरीके से उसको जितना उसने ऑयल अब्जॉर्ब करना था उनकी स्किन से वो उसने कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा है वो हम सारा का सारा डस्ट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो एक्स्ट्रा था वो डस्ट ऑफ कर दिया। अब जी हम नोज़ की कंटोरिंग करेंगे। नोज़ आपने देखना आपके पास किस टाइप का है, आपने उसको उसी तरह से कंटोर करना है। अब इनका इनका नोज़ जो है वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो बड़े अच्छे से जो है वो मैंने यहाँ पे सारा इनकी जो है ना वो नोज़ की कंटोरिंग मैं कर रही हूँ। ये देखें मैंने उस ब्रश के साथ नहीं किया, डिफरेंट मैंने जो है वो थोड़ा स्लीक सा ब्रश लिया, ताकि प्रॉपर वे में कंटोरिंग हो सके।
अच्छा जी, अब बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ के लिए मैंने ये O2O की जो है वो आईब्रो पेंसिल यूज़ की है। इसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। ये O2O के प्रोडक्ट्स मैंने आगे यूज़ किए हैं। इसके ऊपर मैं आपको जो है ना वो एक फुल फेस अपना करूँगी, इसके ऊपर वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी O2O का, और मैं आपको उस पर रिव्यू दूँगी बड़ा डिटेल में। तो अभी जो है वो मैंने इनकी आईब्रोज़ को इसके साथ फिल कर लिया। ये जी O2O की मिनी आई शेडो पैलेट है, और बिलीव मी ये मुझे इतनी पसंद आई है। इसका रिज़ल्ट, इसके पिगमेंट्स, इसकी ब्लेंडिंग बहुत आउट क्लास है। ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और कहाँ से करेंगे वो मैं आप लोगों को सारा मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो जी, मैंने यहाँ पे जो है वो ये एक लाइट ब्राउन सा जो है वो शेड लिया है क्रीज़ में। अच्छा, हमारा बेसिकली ड्रेस शूट था, ड्रेसेस का शूट था, और वो ड्रेस थे थोड़े से ऑफिस गोइंग गर्ल्स के टाइप के, थोड़ी हमारी वार्डरोब थी जिस पे शूट था, तो इसलिए मैंने बहुत एक्स्ट्रा हैवी नहीं लुक किया है, बस उसको थोड़ा मिनिमल रखा है। अच्छा जी, मैंने क्रीज़ में ये ब्राउन शेड लगा लिया था। अब ये देखें, एक बड़ा खूबसूरत सा ये ग्रीन मेटालिक सा शेड है, जो कि उनके ड्रेस का भी कलर था, वो मैंने उनके जो है ना वो आई बॉल पे अप्लाई किया। और आप देख सकते हैं कि कितना पिगमेंटेड शेड है, और ये इसमें इतने सारे शेड्स आ रहे थे। इसमें पिंक का शेड आ रहा था, इसमें ग्रीन, गोल्डन, सब शेड्स आ रहे थे, और बहुत हाईली पिगमेंटेड जो है ना वो ये शेड थे। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ये पेंसिल आईलाइनर यूज़ किया। ये भी O2O का है, और ये इतना फाइन है, इसका जेट ब्लैक है, बिल्कुल मैट हो जाता है, और इतना प्रिसाइज इसकी निब है कि बिल्कुल आप बिगनर्स जो है वो इसको टोटली यूज़ कर सकते हैं, हैंडल करना बहुत ईजी है। तो जी, यहाँ पे मैंने इनका आई लुक कंप्लीट कर लिया। आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। लिटरली ये कैमरा शायद वो चीज़ पिक नहीं करा जो ये और ज़्यादा लाइव खूबसूरत लग रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे लैशेस यूज़ किए हैं, ये भी O2O की लैशेस हैं, और बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये लैशेस जो है ना वो बिल्कुल रियल लगती हैं, फेक नहीं लगती हैं, बहुत लाइट सी हैं। तो जी, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इनको लैशेस अप्लाई कर दी हैं। अब जो हमारी ब्रो बोन है उसको हम हाईलाइट करेंगे, वो मैंने ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ही यहाँ पे ये पैलेट लिया है, और उसमें से जो है वो गोल्डन शेड के साथ मैंने इनकी ये ब्रो बोन को हाईलाइट किया है। और ये देखें जी, कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। और ये इनर कॉर्नर्स को भी मैंने ब्रोबोन के साथ हाईलाइट किया। अब जो हमारी लोअर लैशेज हैं उनको मैं मस्कारा के साथ जो है वो अच्छे तरीके से मैं कोट कर रही हूँ, और ये बिल्कुल एक लाइट ब्राउन सा शेड लेके ही जो है लोअर लैश लाइन उस पर मैं नीचे ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आईज़ के अंदर कुछ नहीं अप्लाई किया, कोई मैंने ब्लैक पेंसिल नहीं लगाई, कोई वाइट पेंसिल, न्यूड पेंसिल, कोई पेंसिल नहीं लगाई, कोई शेड नहीं दिया, क्योंकि बहुत इससे ज़्यादा हैवी नहीं करना था हमें आईज़ को, थोड़ा सा इसको मतलब कैजुअल ही रखना था, इसलिए मैंने बहुत हैवी नहीं किया। अच्छा, अब इसी पैलेट में से मैंने ब्लश ऑन लिया है, और जी ये मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ मिक्स करके इनकी। अब आप देखेंगे कि मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ही ब्लश ऑन लगा रही हूँ ताकि अच्छी सी लिफ्टेड लुक है। ये जी हाइलाइटर, ये भी O2O का है, और गाइज इट्स जस्ट टू गुड, इतना ये पॉप और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इस पर मैं डिटेल रिव्यू बस जल्दी आपको देने वाली हूँ। ये बहुत कमाल है, बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ये हाइलाइटर है, मुझे बहुत पसंद आया। तो ये देखें कि इसने कितना अच्छा सा जो है वो हाईलाइट कर दिया है हमारे चीक को। अब जी ये लिपस्टिक, ये भी O2O की लिपस्टिक्स है, थोड़ा सा ब्राउनिश सा पीची शेड है, क्योंकि मैंने आईज़ को थोड़ा हैवी कर दिया था, इसलिए जो है वो मैं लिप्स को थोड़ा सा सिंपल रख रही हूँ ताकि जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाए। अच्छा जी, अब मैं ये O2O की ही मैट लिपस्टिक है जो कि मैं इसके ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ। अब जी हम इसको थोड़ा सा ओम्ब्रे इफ़ेक्ट देने के लिए जो है वो क्या करेंगे कि एक डार्क लिपस्टिक लेके, जी ये भी O2O का ही शेड है, रेड कलर का, बहुत ज़बरदस्त शेड था, अंदर की तरफ लिप्स में इसको हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, और फिर अच्छी तरीके से जो है ना वो इसको हम एक ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे ताकि एक बड़ा ज़बरदस्त सा ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो इफेक्ट आ रहा है, और कितना ही आउट क्लास लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो जी ये है हमारे फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, क्या चेंज हुआ है, बिल्कुल फेक केक ही कुछ नहीं लग रहा। तो यहाँ पे जी इनके थोड़े से हमने हेयर जो है वो सेट किए हैं, और ये जी इनकी फाइनल लुक है। इसी लुक को जो है वो हमने बड़े ड्रेसेस के साथ चलाया चेंजेस करके। तो ये देखें, ये इनका सेकंड ड्रेस था जिसपे मैंने ये इनको इस तरह से हेयर स्टाइल किया, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो जी आपने मुझे बताना है आपको ये लुक्स इनकी कैसी लगी हैं। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को शेयर करना है, आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।